रायबरेली फतेहपुर बॉर्डर पर लखनऊ बांदा हाईवे पर देर रात करीब 1 बजे भीषण हादसा हुआ, जिसमें दो डंपर ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। रफ्तार इतनी अधिक थी कि हादसे के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। एक डंपर ट्रक में ड्राइवर क्लीनर फंस गए, जिसमें उन दोनों की मौके पर जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे डंपर ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर मौके से गायब हो गए। हादसे के बाद फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों ट्रकों में लगी आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह जल कर चुकी थीं। उधर हादसे की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। रायबरेली और फतेहपुर दोनों जिलों की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जले ट्रकों को हाईवे से हटवा कर जाम को खुलवाया। फिलहाल अभी पूरी तरीके से जलने की वजह से दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई और ना ही ट्रक की पहचान हुई।